टीम इंडिया को मिल गए भविष्य के रोहित, धोनी और विराट। ये तीन देंगे अब टीम इंडिया का साथ, टीम इंडिया की वो त्रिमूर्ति जो किसी को नहीं छोड़ती। आईपीएल के बाद टीम इंडिया से वो खबर आएगी जो सभी की नींद उड़ाएगी। बीसीसीआई को इस बात का है इंतजार, मचने वाला है हाहाकार। ये तीनों जब भी मैदान पर आते हैं अपनी टीम को मैच जिताते हैं। भविष्य के हैं स्टार, मैदान पर मचा रहे हाहाकार। तीन टीमों के वो तीन खिलाड़ी जो टीम इंडिया में आएंगे इस बारी, बीसीसीआई इन तीनों को बुलाएगी, टीम इंडिया मजबूत हो जाएगी। एक शुरू में गेंदबाजों को तोड़ता है, दूसरा आखिर में आकर फोड़ता है। जिन तीन खिलाड़ियों की थी टीम इंडिया को तलाश, वो तीनों है टीम के पास। आईपीएल 2023 से टीम इंडिया को त्रिमूर्ति मिलने वाली है। वो तीन खिलाड़ी टीम इंडिया में आने वाले हैं जिन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। इन तीनों खिलाड़ियों पर बीसीसीआई की नजर है। तीनों खिलाड़ियों को लेकर जो खबर आई है उसने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में इन तीनों की किस्मत चमकने वाली है। इन तीनों की अलग अलग खासियत है, एक पावर प्ले में गेंदबाजों को तोड़ता है तो दूसरा आखिर में गेंदबाजों को जमकर फोड़ता है। एक को मध्यक्रम का सॉलिड खिलाड़ी माना जा रहा है। बड़ी बात यह है कि तीनों जब भी मैदान पर आ रहे हैं अपनी अपनी टीमों को मैच जिता रहे हैं। चलिए आपको तीनों खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप टीम इंडिया में वैकेंसी के बारे में जान लीजिए, फिर पूरी खबर बताते हैं। नंबर एक, धोनी के टीम इंडिया से जाने के बाद टीम इंडिया को अभी तक भी कोई भी तगड़ा फिनिशर नहीं मिल पाया जो आखिर में उसी अंदाज में मैच को खत्म कर सके और टीम को जीत दिला सके, लेकिन आईपीएल 2023 में वो खिलाड़ी मिल गया। नंबर दो, वनडे विश्व कप के बाद रोहित शर्मा भी क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। ऐसे में टीम को एक सॉलिड ओपनर की भी जरूरत होगी जो उसी अंदाज में तेज सर्रार शुरुआत दे सके, वो खिलाड़ी भी टीम को मिल गया। नंबर तीन, T20 विश्व कप के बाद लगता है विराट कोहली भी इस फॉर्मेट को छोड़ देंगे तो टीम को विराट का भी रिप्लेसमेंट चाहिए, तो बीसीसीआई को वो खिलाड़ी भी मिल गया। इन तीनों खिलाड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए बीसीसीआई की पैनी नजर थी, लेकिन आईपीएल 2023 से बाद लगता है कि जैसे बीसीसीआई की ये खोज खत्म हो गई, क्योंकि जिन तीन खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो तीनों तूफानी खिलाड़ी हैं। उसमें सबसे पहले खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2023 में जबरदस्त तूफान मचा रहे हैं। बल्लेबाज के तौर पर जायसवाल कई दिग्गजों से आगे हैं। जायसवाल के बल्ले से लगभग हर मैच में रन निकले हैं। ऐसे में जायसवाल को रोहित की जगह पर ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। नंबर दो, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने मुंबई के लिए इस साल पोलार्ड वाला काम किया है। जिस तरह से पोलार्ड आखिर में आकर मैच जिताते थे, वो काम तिलक हर मैच में करते हुए नजर आ रहे हैं। तिलक के पास बड़े शॉट्स भी हैं। बड़ी बात यह है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह वो गजब की बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर तीन, रिंकू सिंह। ये वो खिलाड़ी है जिसकी चर्चा साल 2023 में सबसे ज्यादा हुई। लगातार पांच छक्के लगाकर मैच जिताना हो या फिर लगातार नीचे आकर मैच को फिनिश करना हो, रिंकू सिंह ने वो कारनामा लगभग हर मैच में करके दिखाया है। धोनी के बाद जिस फिनिशर की टीम को तलाश थी वो रिंकू सिंह के तौर पर टीम को मिल गया है। रिंकू सिंह के अंदर धोनी की तरह से नेचुरल शॉट मेकिंग पावर मौजूद है। वो आखिर में स्पिनर्स या फिर तेज गेंदबाजों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। रिंकू सिंह की ताकत उन्हें बेहतरीन फिनिशर बनाती है। दरअसल ये तो साफ है कि आईपीएल के बाद टीम इंडिया को लगातार कई आईसीसी ट्रॉफी खेलनी है जिसमें टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में टीम इंडिया इन खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती है जिसका टीम को फायदा हो सकता है। वैसे आपका इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें।